चुकंदर तो आप अक्सर खाते ही होंगे सलाद के रूप में, लेकिन क्या कभी आपने इसकी सब्जी खाई है? नहीं ना? तो चलिए आज हम बनाते हैं चुकंदर और उसके पत्तों की बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी सब्जी। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर और उसके पत्तों की सब्जी। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ा देता है। और वैसे भी हमें ये वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार तो खा ही लेना चाहिए, चाहे तो सैलड के रूप में या फिर इसका जूस निकाल करके या फिर सब्जी बना करके, जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर और उसके पत्तों की सब्जी। हालांकि चुकंदर को तो सभी लोग सलाद के रूप में खाते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इसकी सब्जी बना करके खाते हैं। और सच मानिए, जब चुकंदर को उसके पत्तों के साथ मिला करके बनाते हैं ना, तो ना केवल इसकी पौष्टिकता बढ़ती है बल्कि इसका टेस्ट भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली कल हम गए थे अपने किसी जानकार के घर में, तो उन्होंने वहां पर खेतों में काफी सब्जियां उगाई हुई थी, जिनमें से 3-4 हम तोड़ करके ले भी आए। लेकिन जैसे ही भाई मैंने वहां चुकंदर देखे ना, तो इसके सुंदर कोमल कोमल लाल पत्ते जो है देख करके मन इतना खुश हो गया कि मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि मैं इनकी सब्जी जरूर बनाऊंगी। क्योंकि जब कभी भी आपको मौका मिले ना, चुकंदर के पत्ते मिले इस तरीके के, तो आपको जरूर उनको इसकी सब्जी बना करके खा लेनी चाहिए। क्योंकि ना केवल ये चुकंदर हमारे लिए फायदेमंद होता है, बल्कि सेम उसके पत्ते भी उतने ही फायदेमंद होते हैं जितना कि चुकंदर। तो यहाँ पर हम इसके अलावा लेंगे 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़े साइज का प्याज और 1 बड़े साइज का आलू भी। आलू हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये इसके टेस्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। और ये है लहसुन की कुछ कलियां, यानी तकरीबन 7 से 8, और ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए सबसे पहले हम सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेते हैं और फिर करेंगे आगे की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि सब्जियों को कट करने से पहले आप इन्हें अच्छे से धो लीजिएगा, और फिर आप चाहे तो जैसे मैं काट रही हूँ बारीक बारीक वैसे भी काट सकते हैं, या फिर जैसा आपका मन करे आप उसी शेप में सब्जी को कट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पत्तों को भी बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, और सेम जैसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ तो इसी तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, और जैसा आपको पसंद आए आप उसी शेप में इन्हें काट सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम सारी की सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने अदरक को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, लहसुन भी, प्याज भी और टमाटर भी। और पैन हो चुका है यहाँ पर गरम, हमने ले लिया है 1 करछी तेल, इतना ही काफ़ी है क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही तेल गरम हुआ तो हमने ऐड कर लिया है अजवाइन, लहसुन और ये अदरक, और अब हम इन्हें होने देंगे ब्राउन। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। और अब लहसुन और अदरक हो चुके हैं हाफ ब्राउन, तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं कटे हुए प्याज। और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और अब यहाँ पर प्याज भी हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं कटे हुए टमाटर। और टमाटर के साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे मसाले भी। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, यानी जो भी मसाले आप पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच से ज़्यादा है ये धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच है पाव भाजी मसाला, और ये है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारे के सारे मसाले हमने यहाँ पर एक साथ ऐड कर दिए हैं, और हम चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, तकरीबन 3-4 चम्मच, इतना ही काफ़ी है ताकि मसाले लगे ना। और अब हम थोड़ा सा मसालों को यहाँ पर, यानी टमाटर को थोड़ा सा यहाँ पर गलने देंगे, बहुत ज़्यादा गलाने की जरूरत नहीं है, हार्डली 1 मिनट। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए आलू और चुकंदर। और सबसे पहले हम इन्हें कर लेंगे मिक्स, और बिल्कुल फ्लेम को रखेंगे लो। लो से ज़्यादा हम फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, और लो फ्लेम में ही हम इन्हें ढक कर के नेक्स्ट 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। क्योंकि ये बारीक बारीक कटे हुए ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये सब्जी बन करके तैयार भी हो जाती है। तो बस हम बिना पत्तों के यहाँ पर, यानी कि हमने अभी पत्ते ऐड नहीं किए हैं, और हम लगे हैं इसे ढकने नेक्स्ट 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए अब 3 मिनट बाद हम इसे फिर खोल लेंगे। और अब यहाँ पर तकरीबन सब्जी को कुक होते हुए 3 मिनट हो ही चुके हैं, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और इस स्टेज में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कटे हुए पत्ते भी, यानी अब हमने यहाँ पर चुकंदर के पत्ते भी ऐड कर लिए हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि सब्जी लगे ना। वैसे तो पत्ते खुद ही पानी छोड़ते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने इन्हें धोया था और अच्छे से निचोड़ भी लिया था, तो पानी यहाँ पर इन पत्तों में नहीं है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3-4 चम्मच पानी फिर से ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं।
और अब पानी ऐड करने के बाद हम फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर के रख देंगे नेक्स्ट 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में। ध्यान रखिएगा फ्लेम को हम बिल्कुल भी बढ़ाएंगे नहीं। और यहाँ पर अब हो चुके हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर और टेस्टी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है, जो कि ना केवल देखने में ही सुंदर है और खाने में टेस्टी भी, बल्कि साथ में हेल्दी भी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये हेल्दी कितनी ज्यादा है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक आलू भी काट के देख लेते हैं, तो आलू बहुत इजीली कट हो रहे हैं, यानी बहुत अच्छे से ये सब्जी हमारी कुक हो चुकी है। तो परफेक्ट हमारी सब्जी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए गैस को कर लेते हैं बंद और अपने इस टेस्टी सब्जी को कर लेते हैं सर्व। और अब हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं अपनी टेस्टी और हेल्दी सब्जी को, जो कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखिए लग रही है ना आपको भी बहुत ज्यादा सुंदर और टेस्टी। और अब हमने यहाँ पर सर्व कर लिया है अपनी सब्जी को। देखिए कितना आसान है ना इसे बनाना, कितने झटपट से ये बनकर के तैयार भी हो जाती है और उतनी ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।